Hello, Joe. Let's read a given question. The question says, a biconvex lens has radius of curvature 20 cm each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is option 1, infinity, option 2, plus 2d, option 3, plus 20d, option 4, plus 5d. So to understand this question, we need to understand about the concept of lens maker formula. So according to lens maker formula, we can write the reciprocal of focal length, that is 1 upon f, is equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is the formula that we use. Ab yahan pe agar hum baat kare biconvex lens ki, so we have abhi filhal hum ye formula dekhte hain, fir we will discuss this formula in the later part. ऑल्सो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो पावर होता है इन डायप्टर इज वन अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर. ठीक है, सो यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, सो दोनों तरफ से सर्फेस इसका कॉन्वेक्स होगा. ठीक है, अब ये हमने कहीं रखा है इसको, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव ड्रॉन. अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करेंगे एंड ऑल द मेजरमेंट आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी कि आर वन जो हमने इस फॉर्मूले में लिखा है, आर वन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. तो ये हमारे लिए होगा आर वन एंड दिस विल बी आर टू. आर टू इज द रेडियस ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. ठीक है, तो ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट लाइट जब इंसिडेंट होगी तो दिस विल बी द फर्स्ट, तो इसीलिए हमने इसे R1 बोला. अब यहाँ पे सिंस वी कैन सी मेजरमेंट सारे ऑप्टिकल सेंटर से होने हैं, अब R1 की अगर हम बात करेंगे, सो R1 विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर. R1 का डिस्टेंस इस तरफ लाई कर रहा होगा. ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली, अब इस तरफ होगा तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, R1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर R2 की बात करें, सो ये वाला सर्फेस है, इसका मेजरमेंट कुछ इस तरफ होगा R2, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, अब म्यू एल क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. म्यू एम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. अब यहाँ पे मीडियम तो एयर है, सो वी आर कंसिडरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू बी वन. ठीक है, तो वी कैन से बाय फॉर्मूला वी कैन राइट बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वी कैन राइट वन अपॉन एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू. Refractive index of lens is given as 1.5 minus 1 into 1 upon R1. R1 क्योंकि हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा ये, एंड ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव ओनली. 0.5 into ये हो जाएगा 2 by 20, that is 1 by 10. ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आएगा 1 upon 20. क्लियर, यस, 1 upon 20 पॉजिटिव में आ रहा है. तो यहाँ से वी कैन सी क्लियरली कि हमें चाहिए पावर. सो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ, बेसिकली फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे हम, फोकल लेंथ विल बी दिस कैन बी रिटन एज. अब ये वी हैव टू बी केयरफुल, हमें सेंटीमीटर में मिल रही है ये चीज़ें, तो यहाँ से पहले फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल ही लेते हैं हम. सो इट इज 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो नाउ वी कैन सी देयरफॉर पावर को हम क्या लिखेंगे, इन डायप्टर हमें पावर कैलकुलेट करना है क्योंकि डी में दिया हुआ है. इट विल बी, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/1 फोकल लेंथ को हमें किस में रखना है, मीटर में रखना है, राइट. सो मीटर में ये होगा 1/5 मीटर. सो फाइनली एंड 1/5 मीटर एंड फाइनली ये प्लस में, तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस 5 डायप्टर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 4 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.